गुड मॉर्निंग, आई एम अगेन लाइव क्योंकि कुछ चीजें मुझे बतानी है जो विजुअलाइजेशन के ऊपर, और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि बहुत बार हम सुनते हैं क्योंकि बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं, बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, आपने शायद पेड सेशंस भी लिए होंगे, लेकिन विजुअलाइजेशन के ऊपर मैं जो माइंड बॉडी मेरा सुबह की कम्युनिटी में जब फिटनेस के बाद हमारा जो डिस्कशन रहता है अबाउट डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, उसमें मैं समझा रहा था, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज थॉट्स टू ऑल दोज पीपल इंक्लूडिंग माई कम्युनिटी मेंबर्स। मेन चीज है कि वी डू विजुअलाइजेशन और समटाइम्स यू मस्ट ट्राई। आपने शायद किसी ने विजुअलाइजेशन सोचा होगा, समझा होगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी है जो अगर आप यूज करोगे विजुअलाइजेशन के ऊपर तो आपको हेल्थ, रिलेशनशिप, आपके बिजनेस के ऊपर, हर एक चीज के लिए आप यूज कर सकते हो ये विजुअलाइजेशन का टेक्निक। अभी क्या होता है मालूम है कि विजुअलाइजेशन क्यों करना चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं विजुअलाइज करो, ऐसे देखो क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, लेकिन उसका जरूरत क्या है, उसकी क्या जरूरत है? तो एक सिंपल साइंस है, अवर सबकॉन्शियस माइंड, जो जैसे कॉन्शियस माइंड है सबकॉन्शियस माइंड है, तो कॉन्शियस माइंड जो आप सुन रहे हो दैट इज माय कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड जो आपके बहुत सारे बाकी चीजें को कंट्रोल करता है, और अगर आप स्ट्रेस में जा रहे हो तो डेफिनेटली देर इज सम कनेक्शन विद स्ट्रेस सबकॉन्शियस माइंड, इफ देर इज अ हार्ट बीट विच इज कंट्रोल बाय सबकॉन्शियस माइंड, सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू आर नॉट कंट्रोलिंग विच इज कंट्रोल बाय सबकॉन्शियस माइंड, और जो 24 आवर्स अवेक रहते हैं। अभी इस सबकॉन्शियस माइंड को कभी नहीं पता चलता कि आप रियल में क्या कर रहे हो और क्या विजुअल कर रहे हो, यानी क्या इमेजिन कर रहे हो। जैसे कि आप अगर सपना देख रहे हो तो सपना जो आप देखते हो उसमें आपको ऐसे लगता है कि आपने रियल में कुछ किया है। ओके, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैं आपको 5 मिनट बताऊं क्योंकि मेरी एक मीटिंग है पेंडिंग 10 बजे। ओके, तो आपको सपने में और रियल में आपको डिफरेंस नहीं लगता। अगर कुछ आपने चीज खाई है, मैं सुबह ही बता रहा था मेरे माइंड बॉडी मिरेकल्स में कि अगर आपने रात को सपने में कुछ चीज की है तो ऐसे लगता है कि आपने रियल में किया है। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे बिलीव करता है कि ये रियली हुआ है। जैसे आप जाग जाते हो बोलते हैं अरे ये तो नहीं हुआ है, तो माइंड नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग रियल, क्योंकि सब चीजें एक्सपीरियंस है, वेदर आप सामने एक्चुअल कर रहे हो या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इंटरनली विजुअली, तो इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? तो आपको वो एक्सपीरियंस पहले क्रिएट करना है अंदर। जैसे कि अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको रिच बनना है तो पहले एक्सपीरियंस क्रिएट करो कि आपको रिच बनना इसका मतलब क्या, क्या आपकी डिजायर है, क्या आपको चाहिए कि रिच बनना इसका मतलब मेरे पास पैसे आ गए तो रिच बना, ऐसा है क्या? नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्या आपको रियल में पैसा चाहिए क्या, तो वो पहले विजुअलाइज तो करो कि आप रिच बनने के बाद क्या करने वाले हो। क्या आप कार चलाने वाले हो, आपकी बंगलो लेने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो, तो ये एक्सपीरियंस शेयर करो। सेम गोज विथ फिटनेस। जैसे आप वेल्थ के बारे में मैंने बताया, सेम गोज विथ फिटनेस। फिटनेस यानी आपको क्या चाहिए, तो पहले विजुअल क्रिएट करो कि आपको फिट इसका मतलब अच्छी फिजिक चाहिए, आपको बहुत एनर्जी चाहिए, स्टैमिना चाहिए, आप अच्छे दिखने चाहिए, आपका पेट बहुत कम चाहिए, ये पहले आप विजुअल क्रिएट करो। और उस विजुअल क्रिएट करते वक्त कॉन्फिडेंस आपको ऐसे होना चाहिए कि रियल में आप कर रहे हो, इतना रियल कि आप नॉर्मल जो जस्ट लाइक यू आर ब्रशिंग योर टीथ, इट्स वेरी सिंपल यू नो। अगर मैंने आपको बोला कि इमेजिन कर लो कि यार ब्रशिंग योर टीथ, आपको बहुत ईजी लगेगा टू ब्रश योर टीथ, आप इमेजिन करना, या इमेजिन कर लो कि आप वड़ा पाव खा रहे हो। ओके, बहुत इजी लगेगा कि आप गए हो वड़ा पाव सेंटर पे, ये तो टपरी का वड़ा पाव बहुत अच्छा रहता है, आप वो वड़ा पाव ले रहे हो खा रहे हो, या आप आइसक्रीम खा रहे हो, आपके मुंह में पानी आने लगेगा। सुबह सुबह आइसक्रीम का नहीं होगा, लेकिन आप सुबह सुबह गर्मा गर्म भजी खा रहे हो, ओके, कैसे मुंह में पानी आएगा? सो सेम विजुअल आपको करना है आपके फिटनेस के लिए, या और कोई भी एस्पेक्ट है, रिलेशनशिप के ऊपर भी वर्क कर सकते हो। मैं जब कोचिंग करता हूं तो मैं उनको विजुअलाइज करने बोलता हूं। ओके, ये सब चीजें मेरे वेबिनार में आप एक्सप्रेस करोगे रियल टाइम में, कि और उसका रिजल्ट भी आपको सामने दिखेगा कि आपके बॉडी के ऊपर विजुअल किया और तुरंत विद इन 2 मिनट्स आपके बॉडी के ऊपर रिजल्ट आपको दिखेगा, दिस इज माय गारंटी। आप देख सकते हो, वो एक्सपीरियंस करते हो, जिन्होंने वेबिनार देखा है उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो कमेंट कर सकते हो, लेकिन जो संडे वेबिनार है उसमें आप विजुअल एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन आपको कैसे विजुअल करना है, जो भी आपको टारगेट है फिटनेस का टारगेट है, तो आपको रियल में विजुअलाइज करना है कि आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, आपका पेट पूरी तरह से स्लिम हो गया है, आपकी बॉडी पूरी तरह से टोन्ड हो गई है, और आपके पास बहुत ज्यादा स्टैमिना है। अगर बोला तो ये करना है, यस एक्टिव हो गए, ये विजुअलाइज आप पहले करो, और उसके बाद छोटी छोटी एक्शन ले लो। थैंक यू सो मच। सो छोटी छोटी एक्शन यानी आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, 5-10 मिनट का वर्कआउट, धीरे धीरे बॉडी को लगेगा कि यस
ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये रियल है, ये रियल है। और धीरे धीरे आपको इतना रियल लगेगा, साथ साथ में जो भी चीजें आपको करनी है, जैसे वर्कआउट करना है, डाइट पे कंट्रोल करना है, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना है, ये सब चीजें अपने आप होने लगेगी। ये करके देखो, ट्राई करो और इधर शेयर करो, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, नॉट ओनली माई फिटनेस। क्योंकि जैसे मैंने सिक्स पैक साइज का टारगेट रखा था 2.5 ईयर्स बैक, मैं रोज विजुलाइज कर रहा था कि मेरे सिक्स पैक साइज हो गए, मेरे पूरे तरह से है ना वो पैक्स दिख रहे हैं, मेरी बॉडी पूरी तरह फिट होगी। और बाद में मैं, और मैंने अनाउंस किया था 6 मंथ्स में मेरे हो जाएंगे, और थर्ड मंथ में मैंने पोस्ट किया था। ओके, सेम थिंग्स गोज विथ योर वेल्थ। अगर आपको अचीव करना है, कोई मनी अचीव करना है, यू कैन गो विथ दैट। नाउ ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे मेरे वेबिनार में, जो संडे वेबिनार है 90 मिनट्स का। उस वेबिनार में क्या क्या एक्सपीरियंस करोगे, फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट हाउ यू विल एक्चुअली डू द विजुअलाइजेशन, और उसका इंस्टेंट बॉडी पे कैसे इंपैक्ट आएगा आप सामने से देखोगे। दूसरी चीज, आप हिप्नोटाइज हो सकते हैं कि नहीं, और हिप्नोसिस से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, ये रियल टेस्ट ऑफ हिप्नोटिस। ओके, ये आप देखोगे वेबिनार में, 11 o'clock वेबिनार है। थर्ड चीज है, आपकी फिटनेस जर्नी आप कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो अभी के अभी, किसी भी एज पे, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो। लेकिन मेरे माइंड बॉडी मिरेकल्स में स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 26 ईयर ओल्ड गर्ल अप टू 62 ईयर ओल्ड लेडी, सभी है जो एक्सपीरियंस कर रहे फिटनेस का। तो कोई एज से संबंध नहीं है, आप किसी भी लेवल पे फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट इन माई वेबिनार। ओके, और जो अभी अभी लाइव पे आए हैं वो आप पूरी तरह से रिकॉर्डिंग देखना, जो आपको शायद बेनिफिट होगा विजुअलाइजेशन का इम्पैक्ट। ओके, दूसरी बात, और चौथी बात, आप क्वेश्चन आंसर सेशंस देखोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा बोनस रहता है, डीप मेडिटेशन, जिसमें आप इतना रिलैक्स हो जाओगे, इतना रिलैक्स हो जाओगे कि आपको पता चलेगा वाओ दिस इज समथिंग ऑसम। आपके चेहरे पे स्माइल रहेगा, आपको इतना लाइट लगेगा, ये मेरा बोनस रहेगा, सो डोंट मिस दैट। लेकिन एक ही कंडीशन है, 11 बजे शाम आपको आना है। You need to be there because first 10 minutes are very crucial, और बाकी हर एक मिनट पे आपको नोट पैड से यूज करना है, नोट्स लेने हैं जो आपको उसमें एक्शन में यूज कर सकते हो। That's it. Okay? See you. If you have any question, you can definitely ask all those questions under this live session. आपके कमेंट का मैं आंसर दूंगा, that is my promise. और जो लिंक है, वेबिनार की लिंक है, आपको मिल जाएगी मेरे miraclesmastery.in के साइट पे मिलेगी, आप कहां भी जाके देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, लेट मी एंड दिस सेशन, वॉच दिस रिकॉर्डिंग, मुझे 10 बजे मुझे कॉल आ रहे हैं। बाय बाय, सी यू।